एक्सरसाइज 4.1 मैथ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको गिवन है x2+2x+1 और नीचे x-2 और x+3। पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले अगर आपके पास ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए, यानी उनके कोएफिशिएंट वो x2 है तो नीचे भी x2 आ जाए, ऊपर अगर बड़ी भी आ जाए तब भी या बराबर आ जाए तब भी आपने डिवाइड करना पहले। नीचे वाली को मल्टीप्लाई किया मैंने रफ में किया है, ये मल्टीप्लाई किया ये आ गया, यानी ऊपर वाली वैल्यू में भी x2 है और नीचे वाली में भी x2 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे और बाहर वाली को बाहर रख के डिवाइड कर देंगे। तो वन टाइम डिवाइड हुआ ये हमारे पास बाकी बच गया x+7। अब x+7 यानी वन टाइम डिवाइड हुआ प्लस x+7 बच गया, ये x+7 इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसकी जगह पे जो आपकी वैल्यू थी वो दोबारा से लिख ली है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसको हमने सॉल्व करना है, ये मैंने लिख दी, इसको ए ओवर कर लिया, बी ओवर कर लिया, फिर मल्टीप्लाई इसी तरह नंबर 3 इक्वेशन आ गई, पुट किया x-2 यानी एक्स की जगह पे 2 पुट करते जाएंगे तो ये आपका एक आंसर। फिर इसी तरह से x+3=0 पुट करेंगे यानी -3 पुट करेंगे इसमें, तो सारा जो है ऑप्शन बी का आ जाएगा, ए और बी आपके पास आ गया, आपने इन दोनों को नंबर 2 इक्वेशन में लगा देना है, लेकिन आंसर हमारा इसमें आएगा। आपने लिखना है पुट इन 1 यानी जितनी भी वैल्यू है सारी 1 में पुट करते, ये 1 लगाया हमने प्लस ये वाली वैल्यू सारी उसके आगे लिखनी, इस तरह आपका आंसर पूरा होगा।